नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, राइनोप्लास्टी करने के लिए मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं और ये मेरा कर्तव्य होता है कि उनकी बराबर हिस्ट्री ली जाए, इन्वेस्टिगेशंस किए जाए, उनके हेल्थ के बारे में जानकारी ली जाए कि जिससे उनका ऑपरेशन सुरक्षित हो और ऑपरेशन के बाद का समय भी ट्रबल फ्री हो, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन ये बातें न हो। इसलिए मुझे उन्हें कई सवाल पूछना पड़ता है। सर्वप्रथम उनके जनरल स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ कैसी है ये मैं जान लेना चाहता हूँ। उसमें महत्वपूर्ण बातें राइनोप्लास्टी के दृष्टिकोण से तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है कि पेशेंट को जन्मतः कोई रक्त दोष है, रक्तस्राव होने का दोष है, अगर है तो उसकी अधिक जांच करना जरूरी है और उसके लिए स्पेशलिस्ट की सलाह लेके कंट्रोल करके या उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है ऑपरेशन के समय, ये समझ के ऑपरेशन करना है। उसी के साथ साथ कई पेशेंट्स को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहती है तो वो भी समझ लेना जरूरी रहता है। उसके कारण भी कई अनेक हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से लेके एनीमिया तक हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, माल नरिशमेंट हो सकता है, तो ये सारी बातें ऑपरेशन के पूरी तरह से समझ लेना अत्यंत आवश्यक है और इसमें पेशेंट ने भी सहकार्य करने का अपेक्षित है कि उनको खुद के बारे में जितनी जानकारी मालूम है वो सारी की सारी बताना आवश्यक है। बचपन से कोई अगर लंबी ट्रीटमेंट ले रहे थे, कोई बड़ी बीमारी थी, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ था या नाक का ही ऑपरेशन हुआ था तो उसके पर्चे हमें अवश्य बताएं, तो उससे मुझे जानकारी आती है कि पहले क्या हुआ था, क्यों ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आया था या नहीं आया था। उसके साथ साथ कई लोगों को जैसा एज बढ़ता है तो हाइपरटेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, कई लोगों को गोली लेना पड़ता है और वो भूल जाते हैं बताने के लिए कि वो कई सालों से गोली ले रहे हैं या उनको हाइपरटेंशन है। तो ये आवश्यक है कि जब आप प्राथमिक कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक में आते हैं तो उसी समय आप ये साफ बताना चाहिए कि आपको ब्लड प्रेशर का तकलीफ है या था या हो रहा है और क्या दवाई ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं हो तो ऑपरेशन में और ऑपरेशन के बाद भी रक्तस्राव होने की प्रमाण बहुत बढ़ जाती है। ऑपरेशन के दरमियान अगर रक्तस्राव काफ़ी ज़ोर से शुरू हो गया तो ऑपरेशन करना मुश्किल होता है, ऑपरेशन में ऑपरेटिव स्लिप दिखाई नहीं देते हैं और ऑपरेशन के बाद अगर रक्तस्राव होता है तो वो एक इमरजेंसी निर्माण होती है और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो वो डिक्लेयर कीजिए और अगर है उसको कोई जांच नहीं हुई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिए तो प्रथम आप कोई भी MD फिजिशियन के पास जाके उसके बारे में पूरी ट्रीटमेंट ले और उनसे सर्टिफिकेट ले आना जरूरी है। ब्लड प्रेशर के साथ साथ कई बार लोगों को हार्ट प्रॉब्लम रहता है या इम्पेंडिंग हार्ट प्रॉब्लम रहता है तो ये आवश्यक है कि ECG वगैरह इत्यादि टेस्ट करके ले और ज़्यादा जानकारी पाना आवश्यक है। अगर आप टैबलेट्स लेते हैं तो वो भी देखिए कि कंट्रोल्ड है या नहीं है और आपके फिजिशियन के सलाह अनुसार ही हम ऑपरेशन का प्लान करते हैं। ऑपरेशन के बाद भी ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहिए और जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये पूरे के पूरा बंद करना आवश्यक है। दूसरा बड़ा बीमारी का कारण डायबिटीज है। डायबिटीज बचपन से हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है, उसके कई स्टेजेस हैं, आप कौन से स्टेज में है ये भी महत्वपूर्ण है और क्या दवाई ले रहे हैं, कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, ये जानना बहुत जरूरी है। डायबिटीज अगर है, कंट्रोल नहीं है तो ऑपरेशन के दरमियान रक्तस्राव हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है,
उसके साथ साथ हीलिंग प्रोसेस बहुत डिले हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ पूरे के पूरा कंट्रोल में रहना बहुत आवश्यक है, और उसका जो डाइट है, उसके जो टैबलेट्स का प्लान है, वो बराबर आप फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस प्रकार महत्वपूर्ण कोई बीमारी है, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस है या दूसरी कोई और बीमारी आपको थी या चालू है, उसकी दवाई ले रहे हैं, तो ये भी हमें अवश्य बताना जरूरी है। कैसे कि फॉर इंस्टेंस आपको हार्ट का प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने आपको डिस्पिरिन लेना सलाह दिया कि रोज़ लेना चाहिए, इससे ब्लड थिनिंग होता है, खून पतला होता है, तो ऑपरेशन में रक्त प्रभाव और फैल जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो ये बातें सारी हमको पहले ऑपरेशन के मालूम होना ज़रूरी होता है। इसलिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। इसके साथ साथ बदन में कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना का वेव था, कई लोगों को कोरोना हुआ, तो हमने उनको सलाह दी कि आपका 2 वैक्सीनेशन होने के बाद आप ऑपरेशन अवश्य करें, उसमें कोई धोखा नहीं है। इन्फेक्शन नाक के आजू बाजू में वैसे भी रहता है, साइनस में हो सकता है, गले में हो सकता है, तो ये भी चेक किया जाता है। और रिसेंटली अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, टॉन्सिलेक्टॉमी हुआ है, साइनस का हुआ है, तो वो अवश्य बताएं। तो दोस्तों, इस प्रकार और कुछ अगर आपके पास जानकारी है आपके बारे में, तो वो हमें शेयर करें, बताएं। इससे आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा होगा, सुरक्षित रूप से होगा, और ऑपरेशन के बाद का जो पीरियड है उसको ट्रबल फ्री रहेगा, आपको तकलीफ बहुत कम हो जाएगी और रिकवरी फास्ट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।